हाय गाइस, वेलकम बैक। आपको लग रहा होगा ये कोई हारमोनियम है, तो आपको बता दें कि ये कोई हारमोनियम नहीं है, बल्कि कंप्यूटर का एक कीबोर्ड है। और ये कीबोर्ड जो है ऑलरेडी मेरा कल ख़राब हो गया था। ख़राब हुआ था एक चूहे की वजह से, जो कि इसका तार जो है वायर कट कर दिया था। तो मैंने ये सोचा कि ये कीबोर्ड अब बेकार हो गया है, तो क्यों ना इसकी मरम्मत कर दिया जाए, मतलब आपके सामने इसे पूरी तरह से खोल दिया जाए और ये पता किया जाए कि आखिर में हम लोग जो है और आप लोग कंप्यूटर में बैठकर इससे बहुत सारा वर्ड टाइपिंग करते हैं, कोई स्लो कोई फास्ट करता है, तो एक्चुअली ऐसा क्या होता है इसके अंदर जो इतना सारा वर्ड टाइपिंग कर देता है। तो यही जानना है मुझे और आपको। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर क्या निकलेगा वही हमें देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसकी मरम्मत करते हैं और इसे पूरी तरह से खोलते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अगर ये हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज आई रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल वाले बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में तुरंत मिल सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा गिवअवे कॉम्पिटिशन स्टार्ट है, तो अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं इसमें भाग कैसे लेना है। तो भाग लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और आप अपने विनर बनने का इंतजार कीजिए। विनर का घोषणा हम 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में हम कर दें। अभी हम जो है इस ग्राइंडर की सहायता से इस कीबोर्ड को काटने वाले थे, लेकिन जब मैंने इस कीबोर्ड को पलटा के देखा तो उसमें जो है छोटा छोटा नट वॉल टूल लगा हुआ था। तो मैंने ये सोचा कि जब इस पेचकस की सहायता से इसे खोला जा सकता है तो क्यों इस बेचारे को काटा जाए। तो बेचारा ये अभी कटते कटते बच गया। अब हम जो है इसके सहायता से इसे ओपन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये फट गया बीच से, पूरी तरह से फाड़ दिए। देखिए, और अब आपको और हमको एक प्लास्टिक दिख रहा होगा। तो सबसे पहले जो है प्लास्टिक के बाद हमें जो है ये तीन नट दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम ये तीन नट खोल लेते हैं। तो नट खोलने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, और दिख क्या रहा है कि एक सर्किट बोर्ड है, और सर्किट बोर्ड में जो है इस वायर की सहायता से ही करंट आता है। और ये जो आप देख रहे हैं, इसी सर्किट बोर्ड और ये आईसी की सहायता से इसमें करंट दौड़ता है, ये जितना भी वायर आप देख रहे हैं। तो अब हम ये देखते हैं इस प्लास्टिक में कुछ और है या फिर कुछ नहीं है। तो इस प्लास्टिक को हम फाड़ कर देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। तो अब हमें जो है इसे खोलने के बाद पूरी तरह से समझ में आ गया है कि जब करंट जो है इसके पूरे चारों तरफ जो दौड़ता है तो होता क्या है कि दोनों तरफ जो है इसका छोटा छोटा सर्किट बना हुआ है, लेकिन दोनों का फाउंडेशन अलग है। ये दोनों जो है आपस में करेक्ट जगह पे ही अटैच होता है, और जब करंट दौड़ता है और जब हम इसे दबाते हैं तब यह काम करता है टाइप के रूप में। तो टाइप जब होता है कैसे होता है, तो उसके लिए नीचे आप देखिए। इसे देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये कुछ पॉपकॉर्न्स टाइप का दिख रहा है, मतलब जो पॉपकॉर्न्स हम लोग खाते हैं, तो ये वो पॉपकॉर्न्स नहीं है। इसे दबाने के लिए जो आप देख रहे होंगे जो नीचे में दिया है रबर टाइप का, तो ये दिया है इसलिए कि इसे स्मूथ दबा सके। तो यही बटन है, जब हम इसे हल्का सा पुश करते हैं तो इस रबर की सहायता से जो है यहाँ पे अटैच होता है और फिर हमारा कीबोर्ड काम करता है। और अब हम आपको इसका जो बटन है वो भी निकाल के दिखाते हैं, ये किस टाइप से दिखता है या कैसे अटैच है इसमें। अब हम इस सारा बटन को जो है ओपन कर देते हैं, निकाल देते हैं बाहर इसका पूरा पुर्जा। तो दोस्तों, अब आपको क्या दिख रहा है, इसमें छोटा छोटा छेद में आर पार दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारा ये कीबोर्ड पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, और इसी बर्बादी के लिए हम आपके सामने ये वीडियो लाते हैं, ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं और इस टाइप का बहुत सारा चीज़ बर्बाद करते हैं। तो प्लीज़ आपके एक लाइक लिए, तो इस वीडियो के लिए आप एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाज़त, गुड बाय।